देखो जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कुछ कोर्सेज हैं जिनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बच्चों के उस हिसाब के प्रोफाइल के। अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड देखें, साइबर सिक्योरिटी वालों की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी जीटी थोड़ा सा कंपैरेटिवली उतनी हार्ड नहीं है। हार्ड मीन्स कि वो सारा चेक कर रहे हैं बच्चे को, हर डॉक्यूमेंट उसका सब ठीक होना चाहिए। लेकिन लीनियंसी कहाँ है कि आप कुछ यूनिवर्सिटियाँ कहती हैं कि जो आप फीस पे कर रहे हो उसके भी हमें प्रूफ दो, 3 मंथ्स ओल्ड है। तो वो बच्चा कहता है कि मेरे पास 16 लाख रुपया लिविंग एक्सपेंसिस, 15 लाख रुपये, 24,450 कितना है, तो ये 24,550 है शायद। तो ये जो है हमारे पास ओल्ड है एंड $2,000 एयरफेयर, तो इनको मिलाएं तो अगर आज की कैलकुलेशन करूँ 15-16 लाख के आसपास आता है। वो उनके पास पुराना है लेकिन फीस वो फ्रेश डाल सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटियाँ एक्सेप्ट नहीं करती हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ कहती हैं वो आप पुराना दिखाओ। तो यहाँ कुछ लीनियंसी ये आ जाती है कि बच्चा 1 ईयर की फ़ीस अपनी दिखा दे जो उसके अकाउंट में है, और लिविंग एक्सपेंसेस पुराने हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में फ़ीस चली गई, कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी से आनी, लेकिन फ़ीस पे करने से पहले जीटी अप्रूव कराना है। तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस या एजुकेशन लोन जो भी है वो 15-16 लाख पुराना हो, फीस आप नहीं डाल सकते हैं। लेकिन इनकम से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपके पेरेंट्स की इनकम 10-12 लाख मिनिमम हम देखते हैं, और अगर एक स्पॉन्सर ऐड करना है तो वो दादा या नाना कोई भी आपका हो सकता है, तो 5-7 लाख का आप वो ऐड कर सकते हो। तो आपकी इनकम अच्छी हो जाती है, 15 लाख के अराउंड अगर इनकम हो जाती है और बेटर हो जाता है। तो लेकिन परसेंटेज आपकी 60% मेन 4 सब्जेक्ट्स में, जीटी में आपका एकेडमिक भी आएगा, आपके फाइनेंशियल्स भी आएंगे, आपका आइल्स स्कोर भी आएगा, उन सबको मिला के आपकी एक जेन्यून एंट्री होती है, जेन्यून टेम्परेरी एंट्री जीटी जिसको बोला जाता है। अब आपके 60% नॉन मेडिकल के स्टूडेंट के जो है होना चाहिए बेस्ट 4 में, आइल्स 6.5 नॉट लेस देन 6, फंडिंग मैंने आपको बता ही दी है कि 1 ईयर का आपका जो है फीस वो चाहे आपकी अभी जमा हुई हो डजेंट मैटर, लेकिन लिविंग एक्सपेंसेस आपके ओल्ड होने चाहिए या एजुकेशन लोन के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये मिला के कम्प्लीट जीटी प्रोसेस हो गया, वो हम आपका क्लियर करवा देते हैं। और आपका जब क्लियर हो जाता है फिर आपको यूनिवर्सिटी फ़ीस पे करने के लिए बोलती है। फीस पे करने के बाद आपके पास COE आती है, कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, उसके बाद आप एम्बेसी में अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं। फाइल लॉन्च करने के बाद आजकल वीज़ा रिजल्ट जल्दी आ रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि जनवरी में वीज़ा बहुत अच्छे देने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आपने जो फ़ीस जमा करनी उसका भी वो कहाँ से आया, और आजकल तो 1 ईयर का भी अगर आपने पुराने फंड्स दिखाए हैं, 1 साल पहले का भी सोर्स मांग रही हैं कुछ यूनिवर्सिटियाँ, तो वो डिले बहुत चल रहा है उस कारण जीटी में, या स्टूडेंट जो पेरेंट्स हैं उनकी इनकम कम है, या कई सारी यूनिवर्सिटियां बुटीक की इनकम नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं, या एग्रीकल्चर इनकम नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना है। अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर अब एज ए कंसल्टेंट हमें पता होना चाहिए कौन सी यूनिवर्सिटी क्या एक्सेप्ट कर रही है। एग्रीकल्चर इनकम के लिए आपकी ITR एक्सेप्ट नहीं हो रही तो आप तहसीलदार से इनकम सर्टिफिकेट भी लेके रखो, क्योंकि ITR में तो आप जितनी मर्जी इनकम डिक्लेयर कर दो लेकिन उसका प्रूफ है कि नहीं है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहले तो वो कहते थे आपके पास ITR होनी चाहिए, लेकिन अब ITR आई तो उनको लगा ITR तो हर कोई 8 लाख 10 लाख भी है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम में तो टैक्स नहीं है। अब वो कहते हैं तहसीलदार से इनकम प्रूफ लेके दो कि वाकई में आपकी इतनी इनकम है, फिर उसकी ITR आप बनवाओ। तो ये कुछ पेपर्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। पहले खाली MSME का वो अगर किसी की इंडस्ट्री दिखाई है एक्सेप्ट कर लेते थे, अब उसके साथ GST नंबर भी मांग लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी GT डिपेंड करती है,
तो वो एज अ कंसल्टेंट हमें पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जीटी निकल सकती है, किस में जीटी ज़्यादा टफ जी बिल्कुल। है। अब कई बार क्या होता है कि जीटी ज़्यादा टफ होने से वो क्लियर होते होते बच्चे का गैप क्रिएट हो जाता है और 1 ईयर से ज़्यादा गैप ऑस्ट्रेलिया लेते नहीं है, फिर उसके बाद वो अप्लाई ही नहीं कर पाता है।